जैसा कि अभी इलेक्शन का समय चल रहा है और हाल ही में ऑलमोस्ट सभी जगह पर वोटिंग कंप्लीट हो चुके हैं, क्या आपको याद है कि आपके यहाँ पर वोटिंग कब हुआ था? क्या आपने उस दिन वोटिंग किया था या छुट्टी का दिन समझकर कहीं घूमने गए थे? अक्सर लोग इसे छुट्टी का दिन मान लेते और वोटिंग ही नहीं करते, क्योंकि लोगों की सोच ये हो सकती है कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टीज है वो सभी एक जैसे ही है, क्या किसी को वोट दे, कोई भी आएगा तो भी चलेगा, या फिर उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप भी यही सोच रखते हो तो इस 1.5 मिनट के वीडियो में आपकी सोच बदल दूंगा। एग्जिस्टिंग जो भी पार्टीज है उनमें से हर किसी के हिसाब से हर कोई पार्टी ऐसी होती है जो कुछ एस्पेक्ट्स में सही काम कर रही है, लेकिन अगर आप सभी को सेम कंसिडर करके वोटिंग ही नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि जो भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी वो ऑब्वियसली आपने नहीं चुनी होगी। और ठीक इसी तरह से लाखों लोग करते होंगे जिससे लाखों वोट्स वेस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जीतने वाली पार्टी मैक्सिमम टाइम्स अपने सपोर्टिंग वोटर्स के दम पे जीत जाती है, जिसमें कई वोटर्स जीतने वाली पार्टी के अंधभक्त भी हो सकते हैं। तो आगे जाके जब ये पार्टी कोई भी डिसीजन लेती है तो हो सकता है कि आपको ये डिसीजन पसंद ना आए, और तब इनको अपोज करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता नहीं है। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो जो लोग वोटिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाते उनको एक्चुअल में किसी पार्टी के साथ कोई लेना देना होता ही नहीं है, तो असल में ये लोग सही और गलत में फर्क दिखा सकते हैं। तो सोचो इनका वोट करना कितना जरूरी है, तो वोट ना करना हमारी भूल नहीं है। फाइनली 5 साल के बाद इस डेमोक्रेटिक राइट को यूज करके सही कैंडिडेट चूज करने का समय आ चुका था। अगर आपने इस राइट टू वोट के राइट को इस्तेमाल किया होगा तो सही बात है, और अगर नहीं किया है तो हमारे इन्हीं आदतों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि बदलाव हमसे ही है।